को लेकर बलिया में बसपा सपा व भीम आर्मी समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को सफल बनाने को लेकर सड़कों पर उतरे। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। एसटी एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। मैं ओम प्रकाश भारती, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बलिया। आज काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे? आज ये पूर्व से नियोजित कार्यक्रम है जो 1 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय ने एससी एसटी के आरक्षण को जो वर्गीकरण किया जिसमें क्रीमी लेयर लागू किया है, आज उसी के विरोध में ये बहुजन समाज पार्टी खत्म कर दिया के जो लोग दलित शोषित एससी एसटी के जो हमारे कुछ लोग हैं, ये सब लोग आज उसी के खिलाफ आंदोलन कर और जो आज क्रीमी लेयर कल जो है कि समाज में जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा चल रहा था, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ये निर्णय दिया है, जो जातियों को जातियों में बांटने का काम किया है, वो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है कि जो धारा 346, 342 के तहत वो संशोधन करके इसको नवी सूची में डाले, ऐसा मैं इस देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। ये हमारी एक अभी एक झलक है, एक ये झांकी है। यह मान के चलिए कि अगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, तो पूरी की पूरी फिल्म अभी बाकी है। आगे भी हमारा आंदोलन काफी तेज गति से बढ़ेगा और हम लोग मरने जीने के लिए तैयार। ठीक, ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और तमाम एसी एसटी के संगठन बहुजन समाज पार्टी के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के पूरे हिंदुस्तान में आज जो क्रीमी लेयर में उच्च सदन में जो 1 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा किया था उसके खिलाफ आज भारत बंद का जो आह्वान माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पे हुआ है, उसी के लिए हम सब रोड पे आज संघर्ष कर रहे हैं। और मेरी इस देश के प्रधानमंत्री से ये अपील है आपके माध्यम से कि इसको सदन में एक कमेटी गठित करके और इसको उचित न्याय दिलाने का काम करें, यही मेरी बात। ठीक है, मुद्दे पे पूरे हिंदुस्तान को बंद कराया है, उसी पे समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है और बलिया जनपद में आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को राज्यपाल को ज्ञापन गया है कि जो जनता की मांग थी आरक्षण के मुद्दे पे उस मांग को मांगी जाए, इसी के लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन देने का काम किया। बंद का कितना असर रहा बलिया में? और बंद का असर तो आप मीडिया के भाई दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से पूरी बंदी 100% सफल दिख रही है और जनता का जनादेश है। जनता ने तो अभी 24 में थोड़ा सा अभी ट्रायल किया था, आने वाले दिनों में 27 में और 29 में भारतीय जनता पार्टी जो मनोबोली है उसको खत्म करने का जनता ने का मूड बना लिया है। तो जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार आपकी मांगों के ये फैसला जो है कोर्ट द्वारा है, लेकिन सरकार का इसमें क्या रोल है? वो सरकार का इसमें से कोर्ट ने यही कहा है कि सरकार इसमें प्रदेश की सरकारें विचार करें और विचार करके इस पर अमल करें। तो सरकार के बस में इतना है कि भाई जो जनता के साथ में न्याय हो उसको संविधान को के तहत छेड़छाड़ न करें और संविधान आरक्षण को जैसी प्रणाली चल रही थी उसको और बेहतर से बेहतर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए कि हाँ हमने इसमें जनता के साथ में न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है। तो जब न्याय होता है तो जनता अपने आप मांग को संतुष्ट जाती है, जनता इतनी जागरूक है कि अगर मांग को मानते तो जनता आज इस कदर पूरे भारत में बंदी का आह्वान थोड़े करती, लेकिन जनता ने मांग का आह्वान किया है, उस पर समाजवादी पार्टी पूरे देश में इसका समर्थन करती है, उसी के तहत हम लोग विज्ञापन देने जिलाधिकारी